केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बड़ा दावा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ये कहा कि 2 साल की जांच में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। वो इस्तीफा नहीं देंगे, अगर जेल भी रहे तो जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। ये आतिशी ने बहुत बड़ा दावा किया है क्योंकि गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसका जवाब मैं आपको समझाती हूं। संवैधानिक रूप से आप समझिए कि केजरीवाल के सीएम बने रहने पर कोई रोक नहीं हो सकती। कानून और संविधान में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जांच और ट्रायल के दौरान सिटिंग सीएम जेल से भी सरकार चला सकते हैं। जेल हुई तो सीएम को कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी होगी। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने तक सीएम बने रह सकते हैं। अब तक सिर्फ नैतिक आधार पर ही सिटिंग सीएम जो इससे पहले गिरफ्तार हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी कि संविधान ये नहीं कहता कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी गिरफ्तारी किसी मामले में हो जाती है तो आप सरकार नहीं चला सकते हैं या आपको इस्तीफा देना होगा। और इसी को आधार बनाकर अब माना यह जा रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले ही हमने सोच लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। मेरे साथ आनंद जुड़े हुए हैं, आनंद का रुख कर लेती हूँ। आनंद, अब ईडी दफ्तर के बाहर क्या हलचल आपको दिखाई दे रही है? चूंकि अब 7 बजने वाला है और 8 बजे लगभग का समय बताया जा रहा है जब पूछताछ भी शुरू हो जाएगी, तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए लवीना, मैं एक बार आपको फिर से जो ईडी का हेडक्वार्टर है विद्युत भवन एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर, इसकी तस्वीरें दिखाता हूं। ये ईडी हेडक्वार्टर है, यहां पर 2 लॉकअप हैं जिसमें से 1 लॉकअप में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। रात में उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई थी। जो एडिशनल डायरेक्टर है कपिल राज, वो इस पूरे मामले के जांच अधिकारी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के घर भी कल अपनी टीम को लेकर पहुंचे थे। उनकी अगुवाई में आज सुबह एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो शुरू होगी। उनका मेडिकल जो है वो एक बार फिर से कराया जाएगा। आरएमएल के डॉक्टर जो हैं वो इसी हेडक्वार्टर में आएंगे। कल रात में भी यहां पर 11:15 बजे अरविंद केजरीवाल को लाया गया था तो उनका मेडिकल हुआ था। 9 बजे उनकी गिरफ्तारी जो है वो दिखाई गई है, उन्हें अरेस्ट मोमेंट जो है वो पढ़वाया गया है। उन्हें पीएमएलए के सेक्शन के बारे में बताया गया कि किन सेक्शन में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो एक कानूनी प्रावधान होता है। ईडी सूत्रों ने पहले ये बता रहे थे, आप इससे पहले ये बता रहे थे कि तिहाड़ के कई सारे ऐसे सूत्र हैं आपके स्ट्रॉन्ग, जिससे आपको ये जानकारी मिली है कि अगर वो जेल में है तो फिर वो वहां से यानी कि फाइल पर साइन नहीं कर सकते, सरकार नहीं चला सकते। इसको लेकर क्या कानून जेल के भीतर के होते हैं जरा समझाइए। रहेगी जब अरविंद केजरीवाल को यहां से निकाला जाएगा, अगर कुछ कानून व्यवस्था को लेकर कोई अड़चन आती है तो फिर एक दूसरा विकल्प ईडी के पास कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए।
आनंद, आप तक मेरी अगर आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक सरल भाषा में समझ पाएंगे, जैसा आपने पहले बताया तिहाड़ के आपके विश्वसनीय सूत्र ये बताते हैं कि अंदर अगर वो जेल में बंद है कोई मुख्यमंत्री तो वो फाइल पर साइन नहीं कर सकता, इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं जो आप जेल में रहते हुए सरकार चलाने में अड़चन पैदा करती हैं, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है जरा बताइए, कानूनी तौर पर क्या अड़चन आ सकती है अगर वो जेल जाते हैं तो? देखिए लबीना, जिस वक्त आम आदमी पार्टी ने कल यह कहा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, तब हमने तिहाड़ जेल के बड़े अधिकारियों से बात की, उनका कहना था कि ऐसा कोई जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जिसे कि गिरफ्तार किया गया है वो जेल से अपनी सरकार चलाए, वहां पर फाइलों पे साइन करे, वहां से सरकारी कामकाज देखे, तो जेल मैनुअल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि आज तिहाड़ जेल के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि एक बार फिर से जो जेल मैनुअल है उसको अध्ययन किया जाएगा, जो लीगल टीम होती है तिहाड़ जेल की वो उसे अध्ययन करेगी, लेकिन इतना साफ है कि अरविंद केजरीवाल अगर न्यायिक हिरासत में ईडी की कस्टडी के बाद जाते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो वो तिहाड़ जेल से अपनी सरकार नहीं चला सकते, ऐसा जेल मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो अब एक अंडर ट्रायल कैदी है और तिहाड़ जेल मैनुअल कहता है कि चाहे कोई कन्विक्टेड हो या अंडर ट्रायल हो वो केवल एक प्रिजनर होता है, और उसे इस तरह से अगर वो मुख्यमंत्री भी अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो वो तिहाड़ जेल से कोई सरकार नहीं चला सकता, ना कोई सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है। शायद यही कारण रहा होगा कि इससे पहले अगर कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ तो नैतिक आधार पर पहले इस्तीफा दे दिया। आप बने रहिए, आनंद में लौटूंगी आपके पास। सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लालू यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा है, हार के डर में गिरफ्तार ये मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती हुई आई है और आगे भी करती रहेगी, इनका जाना एकदम तय है, इसीलिए इनमें इतना भय है, ये लालू यादव ने लिखा है। आरजेडी सुप्रीमो है लालू यादव। एक बार मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे और जब चारा घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसे वक्त में लालू यादव ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और आखिर में ये लिखा कि इनका जाना एकदम तय है और इसीलिए इनमें इतना भय है, यानी कि उन्होंने बताया कि वो डर गए हैं इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि न सिर्फ लालू यादव बल्कि विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम है, जो लगातार अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, जबकि बीजेपी का तर्क ये है कि आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले थे, आप हाईकोर्ट गए, आपको वहां से राहत नहीं मिली, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब ये टीवी स्क्रीन पर आप लाइव तस्वीरें जरा देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें आप देखेंगे कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस लिहाज से भी कर दी गई है, क्योंकि एक खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने की कोशिश कोई बड़े नेता भी कर सकते हैं, हो सकता है राहुल गांधी भी यहां पर पहुंच जाए, मुलाकात करने की कोशिश करें। दूसरा ये, अरविंद केजरीवाल चूंकि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं, तो यहां पर चूंकि प्रोटेस्ट भी बुलाया गया है तो भीड़ ज्यादा ना बढ़ जाए, इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है।